You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see that tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. This video is brought to you by B&W Collections, your one-stop shop for cameras and accessories. Do visit our website www.bnwcollections.com. Assalamu alaikum dosto, mera naam hai Junaid Qureshi aur aaj hum aapke liye laaye hain Zayun Weevil S, successor to Weevil Lab. Iski video aap pehle hamare channel pe dekh chuke hain. Sabse pehle hum iski unboxing karenge, aapko iski nayi packaging dikhayenge. Unboxing ke baad hum iske kuch features aur functions ke bare mein baat karenge aur aapko jo sample footage humne shuru mein dikhai hai uske bare mein batayenge aapko aur is faisle pe pahunchenge, aaya this upgrade is worth it or not, ye Zayun ka step forward hai ya nahi. To I am without any further ado, let's start. White box, Weevil Lab ki picture, naam, that's it. Cut karte hain, teen seals aur inner box ko, oh, plastic mein wrap hai, isko bahar nikalte hain. With that you find some paperwork, accessories, paper, then styrofoam case jo bilkul open ho jata hai, rising plate, quick release mounting plate. पैकेजिंग में बॉक्स के अंदर बहुत सारी केबल्स हैं, बहुत सारी माइक्रो यूएसबी एंड यूएसबी-सी केबल. विद दैट सम स्क्रूज, देन बैटरीज, देन बैटरी चार्जर, देन ट्राईपॉड माउंट विच इज़ वेरी गुड, जिसके अंदर ये आपको लॉकिंग मैकेनिज्म भी मिलता है. इसके अलावा नाउ दिस इज Weevil S, टाइनी, कॉम्पैक्ट, ब्यूटिफुल. बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड. इट्स स्टिल प्लास्टिक बट टू मेंटेन वेट they have to go with the plastic. Lekin motor covers wagera har cheez jo hai wo metal hai. It feels and it looks really very good. It's a premium product, koi cheap product nahi lagti hai. To ye sari cheeze aati hain ji iske andar box mein. Ab aage badhte hain aur apni video ko aage leke jaate hain. To video aapne dekh li unboxing ki, aapne dekha hoga ki kya changes inhone ki hain बॉक्सिंग के अंदर. अब इसका एक्चुअली आप बॉक्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो दो पार्ट्स में और उसके नीचे होल्स भी हैं. वैसे भी इसको कैरी अराउंड करने के लिए यू डोंट नीड दैट बिग स्टायरोफोम बॉक्स. आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी स्मॉल इन साइज. अगर हम इसकी ये ट्राईपॉड माउंट निकाल देते हैं, ये इसका टोटल साइज है. ये आप अपने किसी भी बैग पैक के अंदर इजीली रख सकते हैं, इवन साइड पॉकेट जो होती है बैग पैक के बाहर. दिस इज रियली गुड टू गो. इट्स 100% सिमिलर टू Weevil Lab, सिवाय दो तीन चीज़ों के जो मैं आपको बताता हूँ. साइज़ में हर चीज़ में दे बोथ आर सेम, कोई इसमें फ़र्क नहीं साइज़ में. ये ऊंचा इसलिए लग रहा है कि इसके नीचे मैंने क्विक रिलीज सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसका साइज़ ऊंचा हो जाता है. वो अगर आप इसमें भी लगाएंगे तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा. अच्छा, इसके अलावा जो मेजर चेंज इसके अंदर नज़र आता है और जो बड़ा अच्छा लगा मुझे, Weevil Lab के अंदर इन्होंने एक्सेस लॉकिंग के लिए ये इस तरह के बटन्स दिए हुए हैं जो हाथ लगने से आगे पीछे आराम से अनलॉक हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, सिवाय इस बटन के. ये वाला बटन जो है ये दिस इज़ वेरी गुड. इसको आपको एक्चुअली स्लाइड करना पड़ता है बड़ा सोच समझ के. Weevil S के अंदर इन्होंने सारे बटन्स जो हैं वो इसी तरह के दिए हैं ताकि आप इसको एक्सीडेंटली जो है वो लॉक ना कर दें. Weevil Lab के अंदर अक्सर मेरे साथ यही होता था कि मैं जब भी उसको ऑन करता था और सेटिंग करने के दौरान मेरा हाथ लगता था और वो लॉक हो जाता था, तो फिर वो मुझे बाद में स्क्रीन के ऊपर आता था एक्सेस लॉक और डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड चेंज. उसके अलावा जो चेंज है मेजर इसके अंदर, जो सबसे बड़ा चेंज, वो है विद इन दिस साइज दे हैव इंक्रीज सो मच पावर ऑफ दिस मोटर्स. अकॉर्डिंग टू द बुक्स दिस इज 300 टाइम मोर पावरफुल देन द ओल्डर मॉडल. हमने इसके ऊपर जो टेस्ट किया है कैमरा,
वो किया है हमने सोनी A7 III विद टैमरॉन 28-75। इसके अंदर जब आप जूम आउट करते हैं तो इतना इसका बैरल जो है वो बाहर भी निकलता है। यूजुअली जब आप लॉन्गर लेंसेज को कैमरे पे लगा के अपने स्टेबलाइजर के ऊपर बैलेंस करते हैं तो आप उसका मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे लेट्स से इसका मिडिल पॉइंट है, दिस इज समथिंग मिडिल पॉइंट, राइट, इतना इसका बैरल बाहर निकला हुआ है, तो आप यहाँ पे रख के इसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद जब आप यूजेज के दौरान इसको जूम आउट करते हैं, ये जूम इन करते हैं, तो आप इजीली ये इसको बैलेंस रखते हैं। मैं स्टेबलाइजर की बात कर रहा हूँ, इसके वेट को इजीली वो कंपनसेट कर देते हैं। और मेरी नज़र में यही सबसे बड़ा टेस्ट था वीबिल एस का, वो ये था कि मैंने इसको ऑल द वे 28 के ऊपर रखे बैलेंस किया, और मैंने जो वीडियो अभी आपको दिखाई थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी क्लोज शॉट्स हैं ये, वो मैंने बहुत दूर से जूम इन करके भी शॉट्स दिए हैं ताकि मैं अपने सब्जेक्ट से दूर रहूं और इजीली हम शूटिंग कर सकें। ये इजीली इसने रजिस्ट किया, कहीं पर मुझे ये फील नहीं हुआ कि इसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो रही है। और जो सबसे बड़ी शिकायत थी लोगों की वीबिल लैब के अंदर वो यही थी कि सोनी का जो जी मास्टर 16-35 का लेंस है, बड़ा लेंस है और काफ़ी हैवी लेंस है, तो उसमें होता ये था कि जब आप वो लेंस इस पे लगाते थे तो फ्रंट हैवी हो जाता था, फिर आप इसके पीछे बैक में वेट ऐड करते थे, तो वो करने के बाद इसको मैं पहले इस पे माउंट कर लूँ जरा। अब आपने देखा होगा कि ये पूरा 28 मिलीमीटर पे है ये, अब मैं इसको जैसे 20-75 पे लेके जाऊंगा ये आगे की तरफ लीन करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने वेट इसका इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अब मुझे इसको रीबैलेंस करना चाहिए। लेकिन इसकी पावर इतनी अच्छी है कि ये मैं दबाऊंगा, आप देखिएगा कि इसको, जबकि ये फ्रंट हैवी है इस वक्त अकॉर्डिंग टू द बैलेंस, ठीक है, इसकी मोटर्स जो है वो इसको आराम से रिजिस्ट कर रही हैं, विच इज़ रियली वेरी 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 गुड। ये हमने फील्ड में टेस्ट करके देखा है, इसने हमें कहीं पे ये एहसास नहीं लेने दिया कि मैं इसको कौन से नंबर पे रख के जूम करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं इसको मुस्तकिल यूज़ करता रहा। इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी सारे बटन्स हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। वो बटन्स ये हैं साइड पे, इसके आपको ये दो बटन नजर आएंगे, पैन फॉलो, नीचे करते हैं तो ये लॉक मोड में आ जाता है, ये पैन फॉलो मोड में है। ये फंक्शन का बटन है जिसको आप दबाते हैं तो फिर बाद में ये गो में चला जाता है, गो मीन्स स्पोर्ट्स मोड। इसके अलावा फ्रंट पे इसके आपको ये मिलेगा POV मोड, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको एक और दफा दो दफा दबाएंगे तो ये वॉर्टेक्स मोड में चला जाएगा। वॉर्टेक्स मोड ये है जिसमें आप इसको रख के गोल गोल रोटेट करते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने मेजर चेंजेस के अंदर किया है, इन्होंने ऐप की डिपेंडेंसीज पे से ख़त्म कर दी है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐप यूज़ नहीं करना चाहते इसकी सेटिंग्स करने के लिए, इस मोटर की जो पावर है और टिल्ट एक्सिस और पैन एक्सिस और रोल एक्सिस, इसकी सेंसिटिविटी, डेड बैंड्स आपको चेंज करने के लिए यू डोंट नीड टू कनेक्ट इट विद योर स्मार्टफोन और फिर आप जाके ऐप के अंदर हर चीज़ की सेटिंग करें, फिर ये रीस्टार्ट हो और फिर आपका काम हो, तो ऑन द गो आप ये काम करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, इस दफ़ा ये सारे फीचर्स इन्होंने इसके अंदर ही डाल दिए हैं आपको, ताकि आपको ऐप के साथ इसको कनेक्ट ही ना करना पड़े। बहुत आसान है ये जो नेविगेशन के लिए इन्होंने ये जॉयस्टिक सी दी हुई है इसके अंदर, आप इस जॉयस्टिक को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। अब इसमें आप गए तो सबसे पहले मोटर आ गई, मोटर में आपने जाने के बाद इसको ऑटो ट्यून कर लिया आपने अपना वेट डाल के, इसके हिसाब से ये ट्यून अप हो जाएगा कि इसको कितनी मोटर को पावर की जरूरत है। आप वो नहीं करना चाहते, लेवल सेट कर सकते हैं बाद में कि जी आपको मोटर का लेवल हाई चाहिए, लो मीडियम हाई, अपनी मर्जी से। उसके बाद आप चले जाते हैं नहीं मैं कस्टम सेटिंग करना चाहता हूँ इसके रोल एक्सिस, पैन एक्सिस और टिल्ट एक्सिस की, उनकी स्मूथनेस कितनी हो। कैमरा के बाद एडवांस में जाएंगे आप तो अब आपको पहले मिलेगा इसकी स्पीड कि कितनी स्पीड से इसको आपने यूज़ करना चाह रहे हैं, कंट्रोल इस बटन से जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं आप पैन टिल्ट और रोल को, उसकी स्पीड आप यहाँ से करेंगे। और उसके बाद है फॉलो मींस कि आप जब इसको मूव कर रहे हैं इधर उधर तो ये आपकी मूवमेंट को किस तरह फॉलो करे, टिल्ट रोल और पैन की क्या स्मूथनेस आप चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फिर देन डेड बैंड इज जब मैं इसको यहाँ जाकर रोकूँ तो ये कितनी जल्दी रुके, देखें एंड पे जहाँ पे मेरा हाथ रुक गया उधर, ऐसा नहीं है कि जाए और एकदम रुक जाए, ये देख लेगा इसको पहले से पता लग जाएगा कि मेरा हाथ यहाँ पे रुक गया है तो ये उससे पहले ही स्लो डाउन करके उस एंड पे आके कैमरे को रोक देगा। अब आप ये मूवमेंट कितनी स्मूथ जा रहे हैं वो आप इस डेड बैंड के ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। इन सब के अलावा फ्रंट पे आपको ये ट्रिगर नजर आएगा, ये ट्रिगर वही काम करता है, यूज करने के दौरान इसका एक्सिस वगैरह सारे हिल गए हैं, नीचे चला गया, यहाँ चला गया, डबल प्रेस किया, ये अपनी जगह पे वापस सेंटर में आ जाएगा। ब्लॉगिंग का दौर है आजकल, हर बंदे को ब्लॉगिंग करनी होती है, कुछ लोग मैंने देखा है आजकल गिम्बल्स भी यूज कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए। आपने इसको पैन फॉलो में है, आपने इसको 3 times टैप किया, 1, 2, 3 ये आपकी तरफ आ गया, आपने दोबारा 1, 2, 3 ये वापस फ्रंट पे चला गया, प्रीटी नाइस है ना। इसकी कैलिब्रेशन भी आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, ऐप की आपको कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, अनलेस देयर आर सम रीजंस व्हेन यू नीड ऐप। तो अब ऐप कनेक्ट करते हैं इसके साथ और आपको बताता हूँ वो रीजंस क्या हैं।
तो ये जी आपने ज़यून की ऐप ओपन की, प्रो कैमरा की लिस्ट में आपने जाके वी बिल सेलेक्ट किया, कनेक्ट, और ये ब्लूटूथ के थ्रू इससे कनेक्ट करें। सबसे पहले ये जो रेड कैमरे का बटन है ये दबाते हैं तो आपके पास नीचे जो है ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पैनो, टाइम लैप्स और ट्रेजेक्ट्री फोटोग्राफी। पांच आप लोकेशन इसके अंदर सेट कर सकते हैं। फिर ये जिस तरतीब से आपने सेट किए होंगे और जब स्टार्ट करेंगे ये एक से दूसरे पे से तीसरे पे चौथे पे, एक सैंपल आपको करके दिखाते हैं। इधर हम गए ट्रेजेक्ट्री पे, हमने पहली लोकेशन हमने लेट से यहाँ रख ली, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं सारी रीडिंग चेंज हो गई, हमने यहाँ से ऐसे किया, दूसरी पे हम यहाँ आ गए, ठीक है, तीसरी पे हम यहाँ आ गए, हमने ऐड करते चले गए, चौथी पे हम यहाँ आ गए, बहरहाल यहाँ आ गए हम, और पांचवी पे हमने इस कैमरे का फ्रंट कर लिया। ये होने के बाद आपने शूटिंग मोड में चले गए, आपने फोटो लेनी है वीडियो, ऑब्वियसली वीडियो एंटर करेंगे, बाकी दो ब्लर हो जाएंगे, ड्यूरेशन पे आप चले जाएं। हम कहते हैं हमारी सारी मूवमेंट्स जो हैं वो ये 10 सेकंड के अंदर हमें करके दिखा दे, हमें पता लग जाए कैसे कैसे मूव हो रहा है। एंटर किया हमने, वी प्रेस स्टार्ट, ये चल पड़ेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा है। पॉइंट ए से ये टू बी की तरफ जा रहा है, बी से अब ये सी की तरफ जा रहा है, सी कंप्लीट हुआ, ये फुल येलो हो गया, देन वापस डी की तरफ आया और इसने ये रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद अपने कैमरे के मेमोरी कार्ड के अंदर ये वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आप ये वाइट बटन से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं, ये रेड वाले से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, दोनों दो बटन क्यों हैं पता नहीं। फिर यहाँ से आप इसके सारे मोड्स चेंज कर सकते हैं, पैन फॉलो, फॉलो, लॉक, फोन गो, पी ओ वी, वॉर्टेक्स, ये आप आ गए वॉर्टेक्स मोड में, आपको नजर आ रहा होगा। अब आप यहाँ से इस वाले एरो को घुमाएंगे, ये घूमना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली हम इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग में जाके ताकि ये तेज टर्न करे। अभी हम वॉर्टेक्स मोड से बाहर आते हैं, हम पैन फॉलो में चले जाते हैं तो ये अपनी जगह पे स्लोली स्लोली वापस आ जाएगा। दूसरा, इससे आप इसको अप डाउन मूव भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप इस पर फॉलो फोकस या जूम के लिए मोटर लगाते हैं तो वो आप इन बटन से भी चेंज कर सकते हैं। अब आएगा बड़ा मज़े का सीन, वो मज़े का सीन ये है कि इसके अंदर एक और फंक्शन दिया है, सिंक मोशन। सिंक मोशन के लिए मैं इसको ले आता हूँ फ्रंट पे और ये रहा मेरा स्मार्टफोन। मैंने सिंक मोशन का बटन प्रेस किया, ये मेरे पास सामने आ रहे हैं दो टैब, मैक्सिमम स्पीड और स्मूथनेस। पहले मैक्सिमम स्पीड पे करते हैं इसको, ठीक है, रोल एक्सिस को बंद करते हैं। अब हम ये वाला बटन दबाएंगे और ये अब हमारा फ़ोन और गिम्बल ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब जो मेरा फ़ोन जिधर मुड़ेगा ये वहीं पर मुड़ेगा, ये देखें, ये How's that? कितनी तेज़ ये रिस्पॉन्ड करे वो आप इन बार से सेट कर सकते हैं। लेट से टिल्ट है ना, तो अब देखें अब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको पूरे 100% पे ले गया हूँ। इसके बाद मैं स्मूथनेस वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, वहाँ जाऊँगा, ये बेशक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, ये मेरी मूवमेंट ज़रा फास्ट है, लेकिन ये पूरा आपका जो मूवमेंट है ना उसको पूरा करके ही हटेगा। वेरी नाइस, जादू है जादू, आई रियली लाइक दिस। आई डोंट नो इसका यूजेज कहाँ होगा, कौन करेगा, काफ़ी सेंसिटिव है ये, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका यूजेज इतना ईजी है या नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब आप इसके साथ ये केबल लगाएंगे इसके सारे मेन्यूज इसकी छोटी स्क्रीन पे नहीं आ रहे होंगे, ISO, शटर स्पीड, ये सारी एक्सपोजर कंपनसेशन, ये सारा कुछ नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, आप डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। यूजली इसको जब आपने सोनी कैमरा इसके साथ लगाना होता है ना तो आपको ये मल्टाई वाली केबल यूज़ करनी पड़ती है, होती है माइक्रो USB जैसी है, लेकिन ये भी माइक्रो USB, ये भी माइक्रो USB, ये लगता है पोर्शन आपके गिम्बल के अंदर और ये लगता है कैमरे के अंदर। एक और मसला ये हो रहा था कि इसके थ्रू ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है। कुछ रिसर्च करने के बाद, कुछ YouTube देखने के बाद, कुछ थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने के बाद ये पता लगा कि इसके साथ जो एक केबल आती है, क्योंकि ये है A73 में USB-C पोर्ट भी है, USB-C पोर्ट के लिए इन्होंने एक माइक्रो USB टू USB-C की ये केबल दी है। बहुत सारी केबल्स हैं, आपने देख लिया होगा अनबॉक्सिंग की वीडियो में। जब आप वो इसके साथ लगाते हैं और फिर इस गिम्बल को ऑन करते हैं तो आपका सारा का सारा वो इसमें आ जाता है और आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ सोनी के Alpha 600 के कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मल्टाई के बजाय माइक्रो USB जो इसमें केबल आई है साथ में वो यूज़ करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली और बड़ी मुश्किल से मुझे समझ में आई। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, दिस इज सक्सेसर ऑफ वीबिल लैब, वीबिल एस, अ वेरी पावरफुल, वेरी कॉम्पैक्ट गिम्बल। मुझे तो ये भाई बहुत ही पसंद आया है। मेरे पास जी मास्टर लेंस नहीं है, मैं बड़ा मेरा दिल था कि मैं उसके साथ इसको यूज़ करके देखूं और मुझे पता लगे कि IIS की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है उसके साथ। बट आई एम 100% श्योर आफ्टर दिस टेस्ट ऑफ जूम आउट या जूम इन करने का, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये लगे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मोटर्स हैं इसकी, और इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है वो इसको ऑन द गो ट्रैवल गिम्बल बना देता है। आप इससे इसको एज अ ट्रैवल गिम्बल भी यूज़ करते हैं, आप इसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपने हमारी देख ली,
इट्स अ वेरी गुड वीडियो. इसको शूट करने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई. इट्स लाइक इसको मैंने बॉक्स से निकाला, बॉक्स से निकालने के बाद इसको जस्ट मैंने बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग की, इससे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. इट्स दैट सिंपल. कोई भी आदमी जिसने कभी कोई गिम्बल यूज़ नहीं किया वो इसको लेके आराम से ये सारे काम कर सकता है. उसको कुछ लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट स्मूथ फुटेज ज़रूर बना सकता है. अब उसके बाद गिम्बल मूवमेंट्स हैं जो थोड़ी क्रिएटिव मूवमेंट्स हैं वो यूज़ करने के बाद ही आती हैं. आप जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इसे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उतना ही आप इसके मास्टर होते जाएंगे और आप नए नए तरीके आपको समझ में आएंगे कि मैं कैसे शॉट निकालूं इन बिटवीन सम प्लेस. लेकिन जो बेसिक यूजेज है इसका कि जी शेकी फुटेज ना हो, वो तो आप जस्ट इसको बॉक्स से निकाल के कर सकते हैं. ज़ायून की ऐप कभी भी इतना अच्छा काम नहीं करती थी जो इसके साथ काम कर रही है. शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई थी बट आई गेस रीज़न वॉज मी, जिसकी वजह से जो है मैं सही तरह इससे काम नहीं ले सका ऐप का. जब मैं वो रीज़न समझ गया तो अब मुस्तकिल ये मोशन टाइम लैप्स वगैरह सब रिकॉर्ड मैं इससे कर सक रहा हूँ. मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. इट्स अ वेरी गुड अपग्रेड, नो डाउट. तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन, पीस. Thank you.